डियर फ्रेंड्स, आइए हम एक बहुत अच्छे लॉ के टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका नाम है फोर्सेड लेबर कन्वेंशन 1930। यह जो कन्वेंशन था, यह जिनेवा में आईएलओ द्वारा किया गया था। यह क्यों किया गया था? क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ व्यक्तियों से मजबूरन एक दबाव डालकर कार्य करवाया जाता था, जो वो करना नहीं चाहते थे फिर भी उनसे करवाया जाता है, जिसे हम बलाश्रम कह सकते हैं। बलाश्रम, जैसे कि सभी कार्य या सेवा जो किसी भी व्यक्ति से दंड के खतरे में है और जिसके लिए व्यक्ति ने स्वेच्छा से खुद को पेश नहीं किया है, मतलब ऐसा कार्य जैसे जो व्यक्ति जिससे करवाया जा रहा है उसकी करने की इच्छा नहीं है फिर उससे जबरन वह कार्य करवाया जा रहा है, और इसे आईएलओ द्वारा मजबूर श्रम भी कहा जाता है। जैसे हम इसको अगर परिभाषा के रूप में देखें तो मजबूर श्रम को ऐसे काम के रूप में समझा जा सकता है जो अनैच्छिक रूप से किसी दंड के खतरे के तहत किया जाता है, और यह उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्तियों को हिंसा या धमकी के उपयोग के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। आपने देखा होगा कि लोग अपने मजदूरों को हिंसा दिखाकर या एक धमकी दिखाकर या अनुचित बल का प्रभाव डालकर काम कराते हैं। तो जिनेवा कन्वेंशन जो था 1930 का, आईएलओ द्वारा इसलिए बुलाया गया, और जितने भी इस कन्वेंशंस के मेंबर थे उन सबसे यह कहा गया कि आप लोग क्या करिए, अपने अपने देश में जो भी श्रमिकों से मजबूरन काम करवाए जा रहे हैं उनसे यह कार्य न करवाया जाए। जो मजबूर कन्वेंशन था, अभिसमय था, उसमें 33 अनुच्छेद हैं, और वह जो अनुच्छेद हैं वह यही बतलाते हैं 33 अनुच्छेद कि इस जो मजबूरन श्रम करवाया जाता है उनको रोका जाए, तथा हर स्टेट अपने राज्य में ऐसे प्रावधान बनाए कि उनको अगर किसी व्यक्ति को मजबूरन कार्य करवाया जा रहा है तो उसे रोका जाए। लेकिन इस एक्ट में 33 आर्टिकल हैं, और उसमें सेक्शन 2 यह कहता है, वह इस अधिनियम का अपवाद है, वह कहता है कि सम्मेलन संख्या 2 के मजबूर श्रम परिभाषा अनुच्छेद 2-2 के अपवादों में 5 स्थितियों का वर्णन किया गया है, मतलब 5 ऐसी स्थितियां हैं जिनके अंतर्गत अगर कोई कार्य मजबूरन करवाया जा रहा है तो वह इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। अनिवार्य सैन्य सेवा, अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है तो अगर अनिवार्य सैन्य सेवा करवाई जा रही है तो वह इस श्रम के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। और दूसरा हुआ सामान्य नागरिक दायित्व, अगर नागरिक दायित्व के चलते अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना पड़ रहा है तो अब इसके अंतर्गत नहीं आएगा, और किसी अन्य प्रकार का श्रम जो कुछ शर्तों के तहत हो, जैसे आपातकाल के समय अगर कोई कार्य करवाया जा रहा है तो वह नहीं आएगा, जैसे युद्ध, आपदा या आग, बाढ़, अकाल, भूकंप, ऐसी स्थितियों के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति से कार्य करवाया जा रहा है तो वह इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। और इसके बाद सांप्रदायिक समुदाय, अगर कोई व्यक्ति किसी कम्युनिटी के अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है तो वह इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम देखते हैं धारा 3 में, यह कहा गया है कि इसका प्रयोजन क्या था, इस एक्ट का प्रयोजन, इस कन्वेंशन के लिए प्रयोजनों के लिए शब्द को मजबूर या अनिवार्य श्रम का मतलब होगा सभी काम या सेवा जो किसी भी व्यक्ति से किसी भी दंड के खतरे में है और जिसके लिए किसी उक्त व्यक्ति ने स्वेच्छा से पेशकश नहीं की है। तात्पर्य यह निकलता है ऐसा कार्य जो व्यक्ति नहीं करना चाहता फिर भी उससे करवाया जा रहा है, और इसी कार्य को रोकने के लिए यह कन्वेंशन लाया गया कि किसी को इस प्रकार दबाव डालकर श्रम न कराया जाए।
आपने देखा होगा कि राज्य के अधिकारियों द्वारा, निजी उद्यमियों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा जबरन श्रम पर भी लगाया जाता है। यह सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में माना जाता है, जैसे घरेलू काम, निर्माण, कृषि, विनिर्माण, यौन शोषण। आपने देखा होगा जो बड़े काश्तकार हैं या बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने मजदूरों को जो उनके यहाँ काम करने जाते हैं, पैसे के दबाव से या फिर किसी प्रकार की धमकी या किसी प्रकार का डर दिखाकर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और उनसे काम करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा काम करवाने की कोशिश करते हैं जो वे करना नहीं चाहते। इसलिए इस सम्मेलन को लाया गया। यह सम्मेलन जो था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के शासी निकाय द्वारा जिनेवा में बुलाया गया और 10 जून 1930 को अपने 14वें सत्र में मुलाकात की। किसने? आईएलओ के मेंबरों ने और सभी को बुलाया और कहा कि यह जो है